So, hello everyone, Ashutosh Pratihast this side, and I'm back with a new video for you people. So, आज इस वीडियो में हम लोग ना एक शब्द पे बात करने वाले हैं जिस शब्द ने किसी को भी नहीं छोड़ा. जितने भी लोग हम लोग देखते हैं, जितने भी लोग हम लोग पढ़ते हैं जिनके बारे में, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत हाइट्स अचीव करी, हर किसी की लाइफ में ये शब्द के बारे में पढ़ने को जरूर मिलेगा आपको. ये शब्द है स्ट्रगल, संघर्ष. टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब अपना टाइम याद करता हूँ, जब मैं स्ट्रगल किया करता था जिस टाइम पे, आई लिटरली एम्ब्रेस दोज मोमेंट्स नाउ. आई थैंक गॉड कि मुझे स्ट्रगल करने को भगवान ने चुना. आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा समझाने वाला हूँ ना, जिसके बाद से आप स्ट्रगल को एम्ब्रेस करना शुरू कर दोगे. आपकी लाइफ में संघर्ष आपको पसंद आने लग जाएगा कि हाँ, संघर्ष जरूरी है. तो हम समझेंगे कि संघर्ष हमारे लिए जरूरी क्यों है. एक बार एक बायोलॉजी का टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक एक्सपेरिमेंट दिखाता है. वो अपने स्टूडेंट्स को ये दिखाता है कि एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में किस तरह से कन्वर्ट होता है. तो वो क्लासरूम के अंदर एक कैटरपिलर को लेके आता है एक बाउल में, एंड वहां पे वो अपने स्टूडेंट से बोलता है कि ये कैटरपिलर जो है ना, ये आने वाले कुछ घंटों में, मतलब एक दो घंटे के अंदर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने वाला है. ये अपने ककून से बाहर निकलेगा, और अभी मैं जरा जा रहा हूं, मुझे थोड़ा सा ना काम है. ये जब निकल रहा होगा, ये बटरफ्लाई में जब कन्वर्ट हो रहा होगा, तो कोई भी बच्चा उस टाइम इसकी मदद मत करना. आपको दिखेगा कि ये स्ट्रगल कर रहा है, ये संघर्ष कर रहा है, बट गलती से भी इसकी मदद मत करना. ये बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग उसने अपने स्टूडेंट्स को दिया, और वो चले गए वहां से, टीचर चले गए. अब थोड़ी देर बाद ये दिखना शुरू हुआ कि जो कैटरपिलर था वो धीरे धीरे करके बहुत मुश्किल, मतलब कोशिश कर रहा है, और वो बटरफ्लाई बन रहा है, मतलब अपने ककून से वो बाहर निकल रहा था. तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम, और एक बच्चे से बर्दाश्त नहीं हुआ. वो देख रहा था लेकिन उससे रुका नहीं गया. वो जाता है सीधा और वहां पे ककून से उसको बाहर निकाल देता है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी स्ट्रगल के. वो बटरफ्लाई जो है वो बाहर निकल जाती है. लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद ये देखने को मिलता है, वहां पे स्टूडेंट सारे देखते हैं कि वो बटरफ्लाई की वहीं पे मौत हो जाती है. अब जैसे ही वो टीचर वापस आते हैं, तो वो पूछते हैं कि यार हुआ क्या एग्जैक्टली यहाँ. तो पता लगता है कि बच्चे बताते हैं कि इसने ऐसा ऐसा बटरफ्लाई को ककून से बाहर निकाल दिया, उसकी हेल्प कर दी. तो टीचर वहां पे एक चीज समझाते हैं कि इसने, इंटेंशन तो इसका हेल्प करने का था, लेकिन अनइंटेंशनली इसने मार दिया. He killed the butterfly. इसको हम लोग बोलते हैं रक्षा में हत्या. वो रक्षा करने जा रहा था, लेकिन उसने हत्या कर दी. अब यहां पे एक चीज समझने को आई. टीचर ने बच्चों को एक बात बताया कि नेचर का ना रूल है कि जब तक ककून के बाहर वो खुद स्ट्रगल करके नहीं निकलेगा, तब तक उसके विंग्स में, उनके पंखों में, उस बटरफ्लाई के पंख में उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी कि वो उड़ पाए. उसके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप नहीं हो पाएगी, और ना उसके अंदर वो ताकत आ पाएगी कि वो लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको झेल पाए. वो अपने पंखों को फैला भी नहीं पाएगी, और इसी वजह से इसकी मौत हो गई. सेम यही चीज़ हमारी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है. अगर हमने खुद मेहनत नहीं करी, अगर हमने खुद अपने घुटनों को नहीं छिला, तो कभी भी हम लाइफ में अपने दम पे लीडर तो नहीं बन सकते. सो फाइनली मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि हेल्प लेना बंद करो, लोगों से मदद मांगना बंद करो, ठीक है, विक्टिम प्ले करना बंद करो, एंड जितना आप स्ट्रगल कर रहे हो, अपने स्ट्रगल को एम्ब्रेस करना शुरू करो, अपने स्ट्रगल को गले लगाना शुरू करो. बिकॉज आपका स्ट्रगल ही इकलौता वेपन है जो आपको लाइफ में अल्टीमेट हाइट्स तक लेके जाएगा. सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप जितने भी लोगों की केयर करते हैं, उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए. अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट इस तरह की और भी वीडियोज आपसे मिस ना हो, एंड बेल आइकन को हिट जरूर करें. Thank you so much.